हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है ये कार एम्पलीफायर के, तो इस एम्पलीफायर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इस एम्पलीफायर में आज मैं इसमें एक ब्लूटूथ डिवाइस इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जब भी बाहर से ब्लूटूथ डिवाइस इसमें इंस्टॉल करके लगा रहे थे, मेमोरी कार्ड या किसी से भी, तो यहाँ पर हो रहा था कि ब्लूटूथ कभी कनेक्ट हो रहा था, कभी डिसकनेक्ट हो रहा था। तो जो कस्टमर हमारा है वो बहुत ही ज़्यादा झंझट में था कि बार बार हमारा जो डिस्कनेक्ट क्यों हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्लूटूथ किट लेकर आया हूँ, जो कि आप हाथ में देखे थे अभी। तो वो छोटा सा किट मॉड्यूल जो है इससे कार एम्पलीफायर में इंस्टॉल करूँगा बहुत ही इजी तरीके से, और उसमें डिस्कनेक्ट वाली प्रॉब्लम जो है आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और अभी तक कस्टमर का शिकायत भी नहीं आया है। लगभग मैं यहाँ पे बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो को शूट कर एडिटिंग कर रहा हूँ, तो ऐसा कोई शिकायत नहीं आया, 5-6 दिन 10 दिन 15 दिन, तो ऐसा कोई कस्टमर का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप भी इस ब्लूटूथ डिवाइस को अपने कार में लगाएं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी साउंड मिलेगी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का परफॉर्मेंस मिलेगा। कोई कोई ब्लूटूथ मॉडल में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, मार्केट में आया हो अलग अलग मॉडल का, छोटा छोटा ब्लूटूथ भी बहुत ही क्वालिटी का आता है फ्रेंड। तो अच्छे क्वालिटी का ब्लूटूथ डिवाइस आप मार्केट से लें, जो भी लें जिसमें देख लें साउंड कौन सा अच्छा है, और नहीं तो फिर दुकान चेंज करना पड़ेगा आपको, जहाँ से कि अच्छे क्वालिटी का ब्लूटूथ डिवाइस आपको मिल जाए, जिससे कि साउंड क्वालिटी बहुत ही बेटर आपको मिल पाए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मैंने कार एम्पलीफायर को खोल लिया हूँ, लेकिन मेरे पास इसको चालू करने के लिए पावर सप्लाई नहीं है, चालू करने के लिए कनेक्शन नहीं है। तो इसके लिए मैं आ गया कार में, सिंपल सा कार में केबल में लगाया और इसको पावर दे दिया, ऑन हो गया। लेकिन इसका डिस्प्ले थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत ही लो लाइट में मुझे दिख रहा था फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे पावर दे दिया हूँ, और यहाँ पे चेक करेंगे 12 वोल्ट कहाँ पर आ रहा है फ्रेंड, और किस जगह हम चेक करना वो भी दिखा देते हैं। एक कैपेसीटर लगा होगा, अगर कैपेसीटर के बारे में नहीं पता तो नेट में सर्च कर लीजिए, या एम्पलीफायर के कैपेसीटर जो है, यहाँ पे कैपेसिटर कहीं पास आपको चेक करना है, और थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होना चाहिए तभी कर पाइएगा फ्रेंड। तो यहाँ कैपेसिटर के पास 12 वोल्ट यहाँ पे आ रही है फ्रेंड, इसी 12 वोल्ट से हम यहाँ पे एक 7805 रेगुलेटर लगा के यहाँ पे 5 वोल्ट बनाएंगे, 5 वोल्ट ब्लूटूथ डिवाइस को देंगे और यहाँ पे इजीली इसका कनेक्शन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे 7805 हमारे पास है, इस 7805 को नेट में सर्च करेंगे, इसका कनेक्शन डायग्राम आपको मिल जाएगा। आप ब्लूटूथ डिवाइस में ग्राउंड और 5 वोल्ट, उसमें 5 वोल्ट और ग्राउंड को ग्राउंड में देना है, और लेफ्ट राइट करके लिखा होगा और बीच में ग्राउंड होगा, जो कि ऑडियो का आउटपुट सेक्शन आपको मिलेगा फ्रेंड। तो चलिए 7805 को यहाँ पे एक हीटसिंक प्लेट के साथ लगा सकते हैं, या नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ब्लूटूथ डिवाइस जो हमारा है वो बहुत ही लो एम्पियर में काम करता है, मिली एम्पियर में, तो ऐसा कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ना चाहिए फ्रेंड। तो मैंने फिर भी हमारे पास हीटसिंक प्लेट था तो लगा दिया, आपके पास भी है तो लगा लीजिएगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत गाड़ियों हमने लगा के दिए हैं और बहुत जगह पे नहीं दिए हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए 7805 को ले लिए हमने, और यहाँ पे इससे कार वाली एम्पलीफायर से 12 वोल्ट का कनेक्शन निकालेंगे, जहाँ से मैंने आपको चेक करके दिखाया। सिंपल मैंने कनेक्शन को निकाल लिया, निकालने के लिए यहाँ पे एक किया, और यहाँ पे सिंपल उसी जगह पे कनेक्शन करेंगे जहाँ पे 12 वोल्ट हमने चेक किया था फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे 12 वोल्ट के पास कनेक्शन कर लेते हैं। हर कार एम्पलीफायर का उसी जगह पर ही 12 वोल्ट निकलेगा जहाँ पर एक कैपेसिटर रहेगा, और मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए कंपल्सरली, उसमें कि जिससे कि आप यहाँ पे वोल्टेज चेक कर पाएंगे एक्यूरेट की कितना वोल्टेज आ रही है, हो सकता है कि ज़्यादा वोल्टेज हो और ये हो जाए। तो हर एम्पलीफायर के लिए अलग अलग चीज़ होता है फ्रेंड, लेकिन आपको वोल्टेज चेक करना ज़रूरी है। तो चलिए हमारा यहाँ पे कनेक्शन कम्प्लीट हो चुका है 12 वोल्ट का यहाँ से, और इसको पार करेंगे, उसके बाद इसको इस साइड में ले कर आएंगे और आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, 7805 का पहला नंबर पिन में पॉजिटिव पॉइंट को जोड़ेंगे, बीच वाले पिन में ग्राउंड पिन को जोड़ेंगे,
और लास्ट वाला पिन में हमको आउटपुट मिलेगा 5 वोल्ट। तो चलिए यहाँ पे जोड़ लेते हैं। फर्स्ट वाला पिन में मैंने बीच वाले पिन में ग्राउंड को जोड़ दिया, फर्स्ट वाले पिन में पॉजिटिव को जोड़ दिया 12 वोल्ट, और आउटपुट सेक्शन में मुझे मिलेगा 5 वोल्ट, जो कि थर्ड नंबर पिन में 5 वोल्ट का मुझे यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए आउटपुट सेक्शन को पॉजिटिव जोड़ लेते हैं। बीच वाले पिन ग्राउंड है, बीच वाले पिन से ग्राउंड ले लेते हैं आउटपुट के लिए। उसके बाद यहाँ से मुझे 7805 से मुझे 5 वोल्ट डीसी एक्यूरेट मिल जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है, अगर वीडियो पसंद आया हो या कुछ मिला हो देखने को सीखने को, तो अगर ऐसे ही सीखना देखना पसंद है, सीखना पसंद है या कुछ जानना पसंद है, तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आप देख पाएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है, जिसमें प्लस वाली पॉइंट को 5 वोल्ट करके लिखा होगा या VCC करके लिखा होगा, उसमें 5 वोल्ट देना है फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद ग्राउंड वाला में यहाँ पे GND लिखा होगा, उसमें ग्राउंड लगा देंगे, GND नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे लेफ्ट राइट लिख लेगा, जो कि इस एम्पलीफायर में यहाँ पे दिया हुआ है KVX के जगह पे। तो जहाँ से हम लोग जेक लगा के फ्रेंड बजाते थे ना पहले, उसी जेक वाली कनेक्शन से यहाँ पे करना फ्रेंड। यहाँ पे ग्राउंड पता कर लेंगे जेक वाले पर, तो हम कुछ ज़्यादा इसमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं लगा। इसमें जहाँ से जेक लगाते हैं ना, जेक वाली पिन में इसका जो ऑडियो का सिग्नल है हमने देंगे। तो आप भी अगर उतना नहीं कर सकते तो जेक वाले डायरेक्ट जेक लगा के जेक वाले से कनेक्शन कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे कनेक्शन मिल गया और इस जेक वाले कनेक्शन से हम यहाँ पे करेंगे फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे 2 वायर ले लेते हैं, 2 ही वायर काफ़ी है। ग्राउंड तो हमारा हाफ बॉडी के साथ हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड मैंने यहाँ से लेफ्ट राइट का कनेक्शन निकाल लिया हूँ, और उसके बाद इसी 2 वायर को ब्लूटूथ का लेफ्ट राइट में कनेक्ट करेंगे ग्राउंड पिन को छोड़ के। और यहाँ से भी ग्राउंड पिन को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि बॉडी के साथ हर जगह ग्राउंड हमने एक पॉइंट नेगेटिव पॉइंट को जोड़ चुका है, जिससे कि ग्राउंड हो गया। अगर कुछ दिक्कत होता है कि प्रॉब्लम होती है, साउंड नहीं आ रही, कुछ ऐसा ही दिक्कत होता है, तो आप ग्राउंड पिन को ज़रूर जोड़ें मेरा तरफ से। और दिक्कत नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो ग्राउंड पिन को जोड़ के अब कर सकते हैं ठीक। इसमें भी हमारा जो कनेक्शन थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ताकि दिक्कत ना हो, गाड़ी में शॉर्ट ना हो। तो देखिए मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको कर ले रहा हूँ। और फ्रेंड उन लोगों के लिए वीडियो है जो कार एम्पलीफायर में ब्लूटूथ लगवाना चाहते हैं, तो फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर दें, ताकि उन लोग इस वीडियो को देख के इजीली अपना जो है ब्लूटूथ डिवाइस में, मतलब एम्पलीफायर में, कार एम्पलीफायर में ब्लूटूथ डिवाइस इजीली लगा पाए। तो फ्रेंड हमारा ब्लूटूथ डिवाइस इसमें लग चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पे कहीं पे शॉर्टेज ना हो, इसलिए मैंने पेपर का यूज करूँगा, या कोई जो माइलर पेपर बोलते हैं, ये पेपर जो होता है पंखा वंखा बेंडिंग करने में यूज होता पेपर, वो पेपर को यूज करेंगे यहाँ पे, चाहे कोई अलग पेपर जिससे कि शॉर्ट ना हो। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे लेफ्ट राइट वाला कनेक्शन को यहाँ पे इस ब्लूटूथ वाली पॉइंट में कर लेंगे। लेफ्ट एंड राइट करके लिखा होगा फ्रेंड, ब्लूटूथ डिवाइस में देखेंगे तो लेफ्ट एंड राइट LR, लेफ्ट एंड राइट। तो चलिए लेफ्ट एंड राइट का ऑडियो आउटपुट में जोड़ देंगे
और इनपुट मतलब एम्पलीफायर में जा रहा है और आपका जो है इजीली पूरा काम सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेंगे अंदर में, उसके बाद फ्रेंड आपका जो है काम 100% सक्सेस हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं, हमारा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, हमारा जो है सॉन्ग प्ले हो गया और एम्पलीफायर में चल रहा है फ्रेंड ब्लूटूथ की डिवाइस से। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, फिर से नए वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड।